मिशन 2023 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शहडोल में विराट विजय उत्सव कार्यक्रम से आगामी विधानसभा 2023 की शुरुआत शहडोल से कर दी है। मंच से कमलनाथ ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सिंह चौहान को 11 माह बाद हिसाब लेने की बात कही। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आदिवासी वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह ने 20,000 की घोषणा की है, जहां नदी नहीं होती है वहां भी पुल बनवाने की घोषणा कर देते हैं। शहर के गांधी चौक में विशाल जनसभा को संबोधित किया। शहडोल में विशाल जनसभा के जरिए कांग्रेस शहडोल के साथ ही अनूपपुर, उमरिया व डिंडोरी जिलों के आदिवासी वोटरों के बीच पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि 3 साल से तेंदुपत्ते का बोनस नहीं दिया है, सरकार बनते ही आदिवासियों को तेंदुपत्ता का बोनस का वितरण किया जाएगा। याद रखिएगा, 11 महीने बाद चुनाव आएगा, ये झंडे लग जाएंगे, मंच बन जाएगा, पर चुनाव के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये बैनर और ये मंच नहीं रहेगा, पर हमारा भविष्य क्या रहेगा ये आपको तय करना है। और मुझे विश्वास है, मुझे पूरे शहडोल संभाग में विश्वास है कि जैसे शहडोल नगर पालिका में आज कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, आगे मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कांग्रेस का झंडा लहराएगा। कैसे ध्यान मोड़ा जाए, ये आज बचा क्या है? बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। सही बात है, पुलिस, पैसा और प्रशासन। शिवराज जी, 11 महीने बचे हैं, हम सबका हिसाब लेंगे। रोजगार का क्या हुआ? ये इनका जवाब है, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया मैं बताता हूं। मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज जी, जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था, हमसे मत पूछिए कि हमने क्या किया। आप तो शिवराज सिंह ने 20,000 घोषणाएं करी है पिछले 18 साल में। जहां जाओ शिवराज जी घोषणा करते हैं, जहां नदी नहीं होती वहां पुल की भी घोषणा कर देते हैं। ये शिवराज सिंह जी है, ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। शहडोल में हुए विराट विजय उत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।